जनमन की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मोदी के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने से पहले कैबिनेट ने खोले विदेशी निवेश के दरवाजे। सिंगल ब्रांड रिटेल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 100%, एयर इंडिया में 49% FDI को इजाजत मिली। कांग्रेस ने एयर इंडिया में विदेशी निवेश का किया विरोध। इसके पहले 49% तक निवेश की अनुमति थी, उसके ऊपर के निवेश के लिए सरकार की इजाजत चाहिए होती थी। मोदी सरकार के लिए राहत की खबर। वर्ल्ड बैंक ने साल 2018 के लिए 7.3% विकास दर का अनुमान जताया, जबकि अगले दो सालों के लिए 7.5% का जताया अनुमान। देश में मौजूदा आर्थिक हालात पर चर्चा के लिए बजट से पहले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ नीति आयोग में पीएम मोदी की बैठक। मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा हमला। पूछा मोदी जी के वायदों का क्या हुआ। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, बोले 4 साल में मोदी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों की आत्महत्या में 45% का इजाफा हुआ है। आज भी मोदी कैबिनेट की बैठक में सबसे पिछड़े 115 जिलों के विकास पर जोर देने पर चर्चा हुई। सभी मंत्रियों से योजनाओं में इन पिछड़े जिलों को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया गया है। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने इन पिछड़े जिलों के अधिकारियों से बातचीत की थी। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार टैक्स धारकों को दे सकती है बड़ा तोहफा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख रुपए तक की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक आयकर छूट की सीमा में 5 लाख से ज्यादा वालों को मिल सकती है बड़ी राहत। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के स्लैब पर टैक्स की दर 20% के बजाय 10% हो सकती है। एबीपी न्यूज के शो वायरल सच में की गई पड़ताल पर सरकार की मुहर। कहा 20 जनवरी से फ्री बैंकिंग सर्विस में कोई बदलाव नहीं हो रहा। ऐसी खबर थी कि फ्री सेवाएं बैंक बंद करने जा रहे हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों मामलों में आया एक नया मोड़। सिख दंगों से जुड़े बंद हुए 186 मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर बनाई SIT। सेंट्रल स्कूलों में हिंदी और संस्कृत में प्रार्थना पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल। केंद्र को नोटिस भेजकर पूछा, स्कूलों में सर्वधर्म प्रार्थना क्यों नहीं कराई जा सकती। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का मदरसों पर बड़ा आरोप। बोले मदरसों में दी जाती है आतंकवाद की ट्रेनिंग। बंद करने के लिए लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। AIMIM अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी पर बड़ा हमला। कहा रिजवी ने अपनी आत्मा RSS को बेच दी है, सबसे बड़े जोकर हैं। मदरसों को लेकर वसीम रिजवी के बयान पर शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाद भड़के। सीएम योगी से रिजवी को गिरफ्तार करवाने की मांग की। बोले अगर रिजवी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो शिया समुदाय सड़कों पर उतरकर विरोध करेगा। हैदराबाद की मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर और पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले जफर सुरेश वाला ने रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग की। बोले वसीम रिजवी ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पी। आधार की सुरक्षा को लेकर जागी सरकार। अब 16 अंक की वर्चुअल ID के जरिए होगा आधार का इस्तेमाल। अभी पहचान के लिए 12 अंकों का आधार नंबर बताना होता है। साथ ही ग्राहक पहचान यानी KYC के लिए आधार के इस्तेमाल को सीमित किया जाएगा। सांसदों और विधायकों को बतौर वकील प्रैक्टिस करने से रोकने पर विचार करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी ने ऐसे वकीलों को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। कमेटी देखेगी कि संसद से वेतन भत्ते और सुविधाएं लेने वाले इन लोगों का वकील के तौर पर प्रैक्टिस करना सही है या नहीं। 113 करोड़ रुपए के जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से CBI ने की पूछताछ। साल 2015 में हाईकोर्ट ने CBI को दिए थे जांच के आदेश, हालांकि फारूक अब्दुल्ला का नाम FIR में नहीं है। 10वीं और 12वीं के CBSE बोर्ड की परीक्षा का ऐलान। 5 मार्च से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षा। 10वीं की परीक्षा 4 अप्रैल को खत्म होगी। लुधियाना कोर्ट में अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ इस SC ST एक्ट के तहत धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज। 2012 में सलमान और शिल्पा शेट्टी पर फिल्म प्रमोशन के दौरान आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल का आरोप है। मिशन कर्नाटक के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चित्रदुर्ग में पार्टी के परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। शाह ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी कहा। 15 और 16 जनवरी को राहुल गांधी का अमेठी दौरा। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार UP आ रहे हैं राहुल। अमेठी में कई जनसभाएं करेंगे राहुल। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और UP के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तुलना उल्लू से की। 3 तलाक के मुद्दे पर कांग्रेस पर भी बोला हमला। चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे लालू यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गबन के एक अन्य मामले में अदालत में बहस पूरी। इसी महीने के आखिर में आ सकता है फैसला।
लालू यादव की सजा को लेकर फोन करके जज शिवपाल सिंह से सिफारिश करने के आरोपी यूपी के जालौन के डीएम के खिलाफ सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए हैं। डीएम मन्नान अख्तर ने आरोपों से इनकार किया। देहरादून में जनता दरबार के दौरान जहर खाकर गैर ट्रांसपोर्टर प्रकाश पांडे की मौत से गुस्साए व्यापारियों ने आज नैनीताल में बाजार बंद रखा। मृतक प्रकाश ने अपनी मौत से पहले कहा था कि उसका व्यापार नोटबंदी और जीएसटी के कारण बहुत प्रभावित हो गया है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। कश्मीर में बिगड़ते हालात और मानवाधिकार हनन के मामले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। तमिलनाडु में 2.5% सैलरी बढ़ाने की बस कर्मचारियों की मांग अनसुनी, लेकिन विधायकों की 100% सैलरी बढ़ाने का बिल विधानसभा में पेश। डीएमके ने कहा बिल का विरोध करेंगे। तमिलनाडु में बस कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर लगभग एक हफ्ते से हड़ताल पर हैं। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जल्द लोकायुक्त एक्ट बनाने को कहा है। एक्ट बनने के 3 महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश भी दिया। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का कल राज्यपाल राम नाईक करेंगे उद्घाटन। महोत्सव के थीम सॉन्ग नाथ योगी पर विवाद गहरा गया है। पार्श्व गायक कैलाश खेर ने नाथ योगी सॉन्ग की धुन और गीत पर कॉपीराइट का आरोप लगाया है। गायक विमल बावरा ने आरोपों से इनकार किया। कानपुर में जीएसटी के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। व्यापारियों ने हाथों में जंजीरें पहनकर सड़कों पर पैदल मार्च किया। प्रधानमंत्री मोदी से उत्पीड़न बंद करने की मांग की। गिरफ्तार हवाला ऑपरेटर अमित मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा। डीआरआई सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के भगीरथ पैलेस मार्केट के 10 से 15 कारोबारियों के संपर्क में है। उनके ही पैसों को हवाला के जरिए वो विदेश में भेजता था। जेएनयू का एक और छात्र मुकुल जैन लापता। सोमवार को अपने घर गाजियाबाद से जेएनयू के लिए निकला था मुकुल। मां का अकेला सहारा था मुकुल। मां का रो रोकर बुरा हाल है। किसी लड़की के साथ ब्रेकअप होने के बाद लापता होने की बात सामने आई है। बिहार के रोहतास में सेना भर्ती के दौरान मची भगदड़ में एक अभ्यर्थी की मौत, 4 घायल। मृतक युवक शेरघाटी का रहने वाला मुकेश कुमार था। गुजरात के बनासकांठा में चेकिंग के लिए कार रोकने पर बदमाश ने पुलिस कांस्टेबल के ऊपर चढ़ाई गाड़ी। हादसे में पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मुंबई अग्निकांड का आरोपी और मोजो रेस्टोरेंट का सहमालिक युक्तुली हैदराबाद एयरपोर्ट पर दिखा। पुलिस के पहुंचने से पहले हुआ फरार। आपको बता दें मोजो लाउंज में लगी भीषण आग में 14 लोगों की जान चली गई थी। यूपी के बलिया में गाय चोरी के आरोप में गांव वालों ने 2 लोगों के बाल काटे। गले में गाय चोरी के पोस्टर टांग कर पूरे गांव में घुमाया। दिल्ली के रिंग रोड इलाके के मार्केट बेहरा एनक्लेव में चोरों ने कपड़े के शोरूम में चोरी की। 15 लाख के महंगे कपड़े लेकर चोर फरार। इनोवा कार से आए थे बदमाश। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। पेट्रोल डीजल पर महंगाई की मार। हर रोज दाम बढ़ने से हैदराबाद में 66 रुपए हुआ डीजल। मुंबई में पेट्रोल 78 रुपए के पार। पिछले 40 दिनों में दिल्ली में 2.41 रुपए बढ़े डीजल के दाम। मुंबई में 3.60 रुपए, कोलकाता में 2.41 रुपए, चेन्नई में 2.58 रुपए डीजल के दामों में बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम जारी। करगिल में पारा -23 डिग्री से नीचे पहुंचा। लेह में तापमान -17 डिग्री। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। राजस्थान के चुरू में फिर गिरा पारा। न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ठंड बढ़ने से परेशान लोग अलाव के सहारे जीने को मजबूर। उत्तर भारत में घने कोहरे का असर ट्रेन यातायात पर। 60 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। करीब 15 ट्रेनों को करीब रद्द कर दिया गया है। यात्री हैं बेहाल। स्विट्जरलैंड में मिल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। 22-23 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान हो सकती है मुलाकात। पाकिस्तान को सैन्य मदद रोकने जैसे फैसले के बाद पहली बार मिलेंगे मोदी और ट्रंप। नेपाल के बीरगंज में मधेशी समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। बीरगंज को मधेशी रीजन की राजधानी बनाने की मांग। ये है एबीपी न्यूज़। आपको रखे आगे।